हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं से बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जो सिर्फ हड्डियों को ही मजबूत नहीं बनाती है, इसके साथ दिमाग भी तेज होता है, बाल मजबूत होते हैं और कई सारी बीमारियां दूर होती है। तो ये रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत ही है, तो इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इसे जरूर घर पर ट्राई करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने एक कप गेहूं लिए है, तो ये गेहूं को हम साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे पहले। अभी हमने एक साफ कॉटन का कपड़ा लिया है, ये गेहूं को जो हमने धोया है ना, उसको हम इसके ऊपर फैला देंगे। ध्यान रखें, हमें सिर्फ गेहूं को धोना है, उसे भिगोना नहीं है, तो इसे अच्छे से फैला देना है। तो ये गेहूं को तो हमने फैला दिया है, अब इसे हम पंखे में सूखने देंगे। तो पंखे में इसे हमें सुखा लेना है। ध्यान रखिए, हमें धूप में नहीं सुखाना है, पंखे में ही सुखाना है। और पंखे में सुखाते टाइम हमें एक दो बार इस तरीके से इसको चला लेना है, जिससे कि गेहूं जो है हमारे सभी साइड से अच्छे से सूख जाए। तो देखिए, ये गेहूं को हमने सुखा लिया है, पंखे में सुखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इतना हमें इसे सुखा लेना है कि इसको जब टच करें तो ये गीला नहीं रहना चाहिए। अब हम गैस पर बर्तन में 2 चम्मच घी लेंगे। अब कोई पौष्टिक चीज़ें बना रहे हैं तो उसके लिए हमें घी तो देसी ही लेना है, तो इसके लिए आप देसी घी का ही यूज़ करें। तो पहले हम घी को पिघलने देंगे। अब जो हमारे गेहूं है उसको हम इसमें डाल देंगे। तो ये गेहूं को हमें घी में मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। इस तरीके से चलाते हुए ही इसको भुनेंगे। तो ये गेहूं को भूनते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गई है करीबन, और ये देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के से चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। तो ये गेहूं को हमें कितना भुनना है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ऐसे ही हमें इसको चलाते हुए भुनना है। तो ये गेहूं को हमने भून लिया है, तो गेहूं चटकने से ये हल्के हो गए हैं और फूल गए हैं, तो बस इसको हमें इतना ही भुनना है। बहुत ज़्यादा लाल इसको नहीं कर लेना है, इस तरीके से गोल्डन ही होने चाहिए और इसमें एकदम अच्छे से खुशबू आने लगी है। जैसे आटा भुनने में आती है ना, वैसे ही इसमें एकदम अच्छे से खुशबू आने शुरू हो गई है। तो बस इसको अब हम निकाल लेंगे। तो ये गेहूं का हमने एक बर्तन में निकाल लिया है, इसको हम ठंडा होने देंगे। तो उसी बर्तन में हम 1 चम्मच घी ले लेंगे। अब ये हमने थोड़े से बादाम ली है, तो बादाम को हम ये घी में भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोस्ट की भी बादाम अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सा ही रोस्ट करना है। बस ये बादाम हमारी भुन चुकी है, जैसे कि हमने कहा कि ज़्यादा नहीं भुनेंगे। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। अब ये हमने एक छोटी कटोरी मखाने लिए है, जिसे फॉक्स नट भी बोला जाता है। तो ये मखाने को भुनने के लिए हम इसमें और घी को ऐड नहीं करेंगे, और इसे भी हमें चलाते हुए भून लेना है। तो मखाने के कई फायदे होते हैं फ्रेंड्स, ये जो तनाव को कम करता है, कैल्शियम इसमें भरपूर होता है, जिससे हमारी हड्डियाँ और जो जोड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं, और ये हमारे पाचन तंत्र को भी बढ़िया बनाता है। और जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, इससे जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये मखाने को भी हमने भून लिया है, आप चाहे तो एक तोड़ के भी चेक कर सकते हैं। तो इसको भी हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। अब 1 चम्मच घी हम और ऐड करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा क्रश किया हुआ गोंद लिया है, तो ये गोंद को हमें लो फ्लेम पर ही चलाते हुए भुनना है। तो इसके भी कई फायदे हैं, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सभी को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये, क्योंकि इससे हड्डियां बहुत ही मजबूत होती है। और जो न्यू मदर होती है उनको भी ये दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो ये गोंद भी हमारे इसमें भुन चुका है, इसको भी हम इससे बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से गोंद को क्रश करके भुनने से क्या है कि बहुत ही जल्दी ये भुन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और एकदम अच्छे से भुनता है। बट आप साबुत गोंद भी ले सकते हैं इसके लिए, फिर आपको उसको बाद में क्रश करना पड़ेगा। अब उसी कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा लेंगे। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो इसकी जगह पे आप चाहे तो सूखा नारियल है आपके पास, उसको कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो इसमें हम और घी ऐड नहीं करेंगे, उसी कढ़ाई में हम इसको चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनना है। तो ये नारियल को भी हमने भून लिया है, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। अभी हमने 3/4 कप गुड़ लिया है, गुड़ को हमने कट करके लिया है, और इसमें हम 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे। तो ये हमने
एक कप गेहूं के लिए इतनी क्वांटिटी ली है गुड़ की। मीडियम मीठे के लिए अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, या फिर आपके गेहूं ज्यादा है तो उस हिसाब से आप गुड़ ले सकते हैं। तो ये गुड़ को हम धीरे धीरे पिघलने देंगे। तो गुड़ पिघलने के बाद इसको हमें एक डेढ़ मिनट ही पकाना है, ज्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि बस इसको चिपचिपी चाशनी जैसा ही बनाना है। तो आपको दिखा भी देते हैं, ये देखिए इस तरीके से बस चिपचिपी चाशनी जैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा हमें ज्यादा पकाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, जो हमने गेहूं को भून के रखा था वो हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इसको हम इसमें डालेंगे। एक बार में जितना आएगा उतना डाल देंगे, और आप देख सकते कैसी आवाज आ रही है, एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं ये। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, तो बिल्कुल हल्का सा हमने इसको दरदरा रखा है, जिससे कि लड्डू बनाने पे एकदम अच्छे से दानेदार लगे। तो ऐसे ही जो हमारे बाकी बचे हुए गेहूं है उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब जो हमारे बादाम और मखाने हैं भुने हुए, वो भी ठंडे हो गए हैं, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इससे हमें दरदरा ग्राइंड करना है। तो ये मखाने और बादाम को भी हमने ग्राइंड कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये जो गोंद और हमारा नारियल का बुरादा है भुना हुआ, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो एक बार सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने गेहूं का जो दूसरा बैच ग्राइंड किया ना, उसमें हमने चार इलायची को डाल के उसे भी साथ ही साथ ग्राइंड कर लिया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इलायची आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और इलायची की जगह पे आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो ये जो हमारा गुड़ का पानी है या चाशनी जो भी आप कहे, इसको हम छान के ही डालेंगे, जिससे कि जो भी कचरा वगैरह हो ना वो उसके अंदर ना जाए। और एक साथ सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा डाल के इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि जरूरत के हिसाब से ही यूज करना है। तो बाकी जो बचे हुए है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको ये हाथ से मिक्स करने में गर्म लगे तो आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं, चम्मच वगैरह। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो ड्राई फ्रूट को हमने इसमें दरदरा पीस के इसलिए डाला है, जिससे कि देखने में भी लड्डू अच्छे लगे और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है जब मुंह में ड्राई फ्रूट आते हैं। तो बाकी आप चाहे तो फाइन पीस के भी इसको डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट ऐसा नहीं है जो हमने डाला है वही आप डालें, आप कोई और सा भी डाल सकते हैं, और जो नहीं पसंद करते उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये लड्डू बन के हमारा रेडी हो गया, देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हुआ है, ऐसे ही सारे रेडी करेंगे। तो लीजिए हमारे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं, देख सकते कितने बढ़िया लग रहे हैं। ऐसे लड्डू है कि जिसको कोई भी खाना पसंद करेगा, देख सकते एकदम सॉफ्ट है, और कितने भी दिन आप इसे रखेंगे ना ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे। तो रोजाना एक लड्डू खाए और हेल्दी रहे, इसको छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इसका सेवन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक करना ना भूले। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अब तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।